नमस्कार दोस्तों, मैं बृजेंद्र कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका विक्ट्री ऑफ हाईएस्ट 20 के इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज का ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों, ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में आज हम पढ़ेंगे इंडियन रिवर्स, यानी कि जो भारत की नदियां हैं उनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि यदि आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो दोस्तों, जितना हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, अगर दोस्तों इस टॉपिक से एग्जाम में कहीं क्वेश्चन आया भी तो दोस्तों आप मिस करके नहीं आएंगे। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। देखिए दोस्तों, ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग जो भारत के अपवाह तंत्र हैं, ठीक है, उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। यानी कि कितने तंत्र हैं भारत में जो हिमालयी क्षेत्र में है, ठीक है। मुख्य रूप से हम लोग हिमालय के जो अपवाह तंत्र हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा हम दोस्तों सिंधु नदी के बारे में बिल्कुल डिटेल से जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। हम दोस्तों बिल्कुल पूरा डिटेल से पढ़ेंगे सिंधु नदी के बारे में और सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में, ठीक है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं थोड़ी बहुत आपको हिमालयी क्षेत्र की नदियों के बारे में ओवरव्यू देने की भी कोशिश करूंगा। इसलिए दोस्तों, ये वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम दोस्तों, मैं आप लोगों को जो ये मैंने छोटा सा एक मैप बनाया है तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं। देखिए दोस्तों, ये सिंधु नदी है, ठीक है, ये सिंधु नदी निकल रही है और ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है। देखिए दोस्तों, जो सिंधु नदी है वो तिब्बत में एक दोस्तों झील है जिसका नाम है चेमा युंगडोंग, सॉरी, ये चेमा युंगडोंग ग्लेशियर है, ठीक है। ये कहाँ पर है चेमा युंगडोंग ग्लेशियर? ये तिब्बत में है, ठीक है, तो इसको आप याद रखिए। तो दोस्तों, इसी ग्लेशियर से सिंधु नदी निकलती है और जम्मू कश्मीर से बहते हुए पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। और दोस्तों, यहाँ पर ये जो ग्लेशियर है, चेमा युंगडोंग ग्लेशियर, दोस्तों इस ग्लेशियर से जो बर्फ पिघल रही है, तो उस बर्फ के पिघलने के कारण यहाँ पर दोस्तों दो झीलों का निर्माण हो गया है, ठीक है, दो झीलें बन गई हैं, ठीक है। और एक झील है राकसताल झील और दूसरी है मानसरोवर झील, ठीक है। तो दोस्तों, जो राकसताल झील है, इस झील से निकलती है सतलज नदी, ठीक है। जो सतलज नदी सिंधु की सहायक नदी है वो राकसताल झील से ही निकलती है, राकसताल झील मानसरोवर झील के और चेमा युंगडोंग ग्लेशियर के समीप है, ठीक है। तो यहां से सतलज नदी निकलकर हिमाचल प्रदेश में बहती है और इसके बाद पंजाब में प्रवेश करती है और ये जाकर सिंधु में मिल जाती है, ठीक है, तो इसको आप याद रखिए। और दोस्तों, जो ये मानसरोवर झील है, ठीक है, ये तिब्बत में जो ये मानसरोवर झील है यहां से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। यहां से कौन सी नदी निकलती है? यहां से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है और ये तिब्बत में बहते हुए इस प्रकार से जो ये अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र है, ठीक है, यहां से ये भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश से, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश के बाद असम में प्रवाहित होती है और इसके बाद ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। और दोस्तों, ये जो उत्तराखंड राज्य है, ठीक है, उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है गंगा, ठीक है। तो दोस्तों, ये जो गंगा नदी है ये भारत में पूरी तरह से, ये अगर देखा जाए तो ये सबसे ज्यादा भारत में प्रवाहित होती है, ठीक है। तो गंगा भारत में, भारत के जो उत्तरी राज्य है यानी कि उत्तर प्रदेश है, इसके बाद बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ठीक है, तो इन राज्यों में प्रवाहित होती हुई ये गंगा नदी और ये ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है, ठीक है, जो ब्रह्मपुत्र मानसरोवर से निकलती है इस नदी में मिल जाती है। और दोस्तों, पश्चिम बंगाल में गंगा नदी की एक और शाखा बन जाती है, ठीक है, इसका नाम है हुगली। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग गंगा नदी नहीं पढ़ रहे हैं, देखिए आप लोग याद रखिए, हम लोग दोस्तों गंगा नदी अगले वीडियो में पढ़ेंगे, इसमें केवल हम सिंधु के बारे में डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मैंने ये अभी आपको ओवरव्यू दिया है, ठीक है, जो हिमालय क्षेत्र में बहने वाली नदियां हैं, ठीक है, तो इसको आप याद रखिए। अब दोस्तों देखिए, जो हिमालय की नदियां हैं इनको दोस्तों हम तीन भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। जो हिमालय क्षेत्र में बहने वाली नदियां हैं इनको हम तीन भागों में बांट सकते हैं। और पहला है सिंधु नदी तंत्र, ठीक है, ये जो दोस्तों सिंधु नदी है ये, इसको हम एक पूरा तंत्र बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सिंधु नदी है और इसके चारों तरफ दोस्तों अगर सिंधु के देखा जाए तो इसकी सहायक नदियों के द्वारा एक प्रकार से यहां पर जाल का निर्माण कर दिया गया है, ठीक है, नदियों का एक जाल बन गया है या नदियों का एक तंत्र बन गया है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं पूरा सिंधु नदी तंत्र, ठीक है। और दूसरा है दोस्तों गंगा नदी तंत्र, ठीक है, इस तरह से जो ये गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से उत्तराखंड से निकलती है और यहाँ इस तरह से इसकी सभी सहायक नदियां इसमें आकर मिल जाती हैं, ठीक है, तो इस तरह से ये एक जाल का निर्माण करती है, ठीक, तो इसको आप याद रखिए।
कि जो गंगा नदी है ये भी एक जाल का निर्माण करती है, तो इसको भी हम बोलते हैं गंगा नदी तंत्र। ठीक है, और इसी प्रकार से है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है, कौन सा नदी तंत्र? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है, तो ये हिमालय क्षेत्र की जो नदियां हैं इनको तीन भागों में बांटा जा सकता है, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है, तो इसको आप याद रखिए। अब देखिए दोस्तों, जो हिमालय हिमालय क्षेत्र में बहने वाली नदियां हैं उनमें से तीन नदियां पूर्ववर्ती नदियां हैं। ठीक है, ये दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तीन नदियां पूर्ववर्ती हैं। अब दोस्तों देखिए पूर्ववर्ती क्या होता है, देखिए कुछ नदियां दोस्तों हिमालय क्षेत्र में बहने वाली ऐसी हैं जो हिमालय के निर्माण से पहले से बह रही हैं। ठीक है, यानी कि नदियां हिमालय से पुरानी हैं। ठीक है, नदियां इस तरह से जैसे नदियां ये अपने मार्ग में बह रही हैं, और ठीक है ये नदी मान लो बह रही है, ठीक है, और इस तरह से बाद में यहां पर हिमालय का निर्माण हुआ है। ठीक है, इस तरह से यहां पर बाद में, तो इस तरह से ये नदियां हिमालय को इस तरह से पूरा काट दिया है। ठीक है, ठीक है, तो इसको आप याद रखिए। जैसे सपोज दैट मान लीजिए ये है इस तरह से हिमालय, ठीक है, तो ये है पूरी नदी की घाटी। ठीक है, यानी कि यहां भी पहले इस तरह हिमालय होना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं है? क्योंकि दोस्तों ये नदी ने इस हिमालय को काट दिया है, क्योंकि ये नदियां पहले से बहती थी और हिमालय का जब उत्थान हुआ तो ये नदियां हिमालय को धीरे धीरे काटती गईं। ठीक है, तो इस प्रकार से इन नदियों के द्वारा हिमालय में एक बहुत ही गहरी घाटियों का निर्माण कर दिया गया है। ठीक है, बहुत ही गहरे गार्ज बना दिए गए हैं इन्हीं नदियों के द्वारा। ठीक है, तो इनमें कौन कौन सी नदियां शामिल हैं जो पूर्ववर्ती नदियां हैं? देखिए पहली तो है सिंधु नदी, और दूसरी है सतलज, और इसके अलावा है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो ये हिमालय क्षेत्र में बहने वाली पूर्ववर्ती नदियों के उदाहरण है। ठीक है, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र आप दोस्तों मैप में भी देख सकते हैं। देखिए ये सिंधु नदी है। ठीक है, ये सिंधु नदी चेमायंगनुंग ग्लेशियर से निकलती है और इस तरह से ये यहाँ पर ये हिमालय को काटकर बहती है। ठीक है, पाकिस्तान में जाती है तो ये हिमालय को काट देती है। ठीक है, तो दोस्तों जो सिंधु नदी है ये यहाँ पर करगिल के समीप, ठीक है, यहाँ पर एक स्थान है करगिल, ठीक है, जम्मू कश्मीर का। ठीक है, तो इसको याद रखिए। तो यहाँ पर दोस्तों ये एक गार्ज का निर्माण करती है, सिंधु नदी किसका निर्माण करती है? एक गार्ज का निर्माण करती है और जिसका नाम है सिंधु गार्ज। ठीक है, तो सिंधु गार्ज का निर्माण सिंधु नदी के द्वारा इस करगिल क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिए। और इसी प्रकार से दोस्तों जो सतलज नदी है, सतलज नदी भी दोस्तों राकसताल झील से निकलती है और इसके बाद जो ये हिमाचल प्रदेश और तिब्बत की सीमा है यहाँ पर एक गहरे गार्ज का निर्माण करती है। ठीक है, और दोस्तों इस गार्ज का नाम है सिपकिला गार्ज। ठीक है, तो दोस्तों जो सतलज नदी है वो किस गार्ज का निर्माण करती है? सतलज नदी सिपकिला गार्ज का निर्माण करती है हिमाचल प्रदेश और तिब्बत की सीमा पर। ठीक, तो इसको आप याद रखिए। और इसी प्रकार से जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी भी अरुणाचल प्रदेश में एक गार्ज का निर्माण करती है, क्योंकि यहां पर भी हिमालय है, तो इस प्रकार से यहाँ पर भी ये नदी हिमालय को काटती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक गार्ज का निर्माण करती है और इस गार्ज का क्या नाम है? इस गार्ज का नाम है दिहांग गार्ज। ठीक है, इसका आप नाम याद रखिए, दिहांग गार्ज। और दोस्तों एक्चुअली जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसको अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में एक दिहांग नामक गार्ज का भी निर्माण करती है, तो इसको आप याद रखिए। ठीक है, तो दोस्तों ये क्लियर हो गया होगा कि जो हिमालय क्षेत्र की तीन नदियां पूर्ववर्ती नदियां हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। और दोस्तों ये जो तीनों नदियां हैं, ये तीनों नदियां अंतरराष्ट्रीय नदियां हैं। अब दोस्तों अंतरराष्ट्रीय क्या होता है? देखिए ये तीन नदियां जो हैं ये एक राष्ट्र में प्रवाहित या एक देश में प्रवाहित नहीं होती हैं। देखिए आप सिंधु को ही ले लीजिए, सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत से निकलती है। ठीक है, तिब्बत से निकलती है और ये भारत में बहती है। ठीक है, जम्मू कश्मीर राज्य में। इसके बाद सिंधु नदी पाकिस्तान में बहती है। ठीक है, तो ये तीन देशों में बहती है, चीन और भारत और इसके अलावा पाकिस्तान। ठीक है, तो सिंधु नदी तीन देशों में बहती है। और इसी प्रकार से दोस्तों सतलज नदी भी तीन देशों में प्रवाहित होती है। अब ये कौन कौन से देशों में प्रवाहित होती है? देखिए ये भी तिब्बत से निकलती है और हिमाचल प्रदेश, पंजाब, ठीक है, ये भारत में प्रवाहित होती है और इसके अलावा पाकिस्तान में जाती है। ठीक है, तो ये भी तीन देशों में प्रवाहित होती है। और इसके अलावा आप ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें अगर, तो देखिए ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो भी तिब्बत की मानसरोवर झील से निकलती है और अरुणाचल प्रदेश यानी कि भारत में प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश, असम। ठीक है, और इसके बाद ये बांग्लादेश में भी जाती है। ठीक, तो ये तीनों नदियां अंतरराष्ट्रीय नदियां हैं और ये तीनों नदियां सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र ये तीन तीन देशों में
प्रवाहित होती हैं, ठीक है। जैसे सिंधु चीन भारत और पाकिस्तान, सतलज चीन भारत और पाकिस्तान, ठीक है। और इसी प्रकार से ब्रह्मपुत्र ये चाइना से निकलती है तिब्बत की पठार से, ठीक है, और वहां से निकलती है भारत में और बांग्लादेश में, ठीक है। तो ये तीन देशों में ये भी प्रवाहित होती है, तो इसको आप याद रखिए, ठीक है। और जस्ट मैंने अभी आपको बताया कि ये तीनों नदियां गार्ज का निर्माण करती हैं, ठीक है। सिंधु नदी सिंधु गार्ज का निर्माण करती है जम्मू कश्मीर में करगिल के समीप, सतलज नदी हिमाचल प्रदेश और तिब्बत की सीमा पर सिपकीला गार्ज का निर्माण करती है, और ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में दिहांग गार्ज का निर्माण करती है, ठीक है। तो इसको आप याद रखिए। अब दोस्तों देखिए, अब हम पढ़ेंगे सिंधु नदी के बारे में, ठीक है। और सिंधु नदी के बारे में पढ़ेंगे, इसके अलावा जो सिंधु की सहायक नदियां हैं, जो प्रमुख सहायक नदियां हैं सिंधु की, चाहे वो झेलम हो, ठीक है, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ठीक है, तो इन सब के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, जो सिंधु नदी है, मैंने अभी जस्ट आपको मैप में बताया, ठीक है। देखिए सिंधु नदी चेमायुमुडुंग ग्लेशियर से निकलती है और जम्मू कश्मीर राज्य में प्रवेश करती है, ठीक है। चेमायुमुडुंग ग्लेशियर से निकलकर उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हुई जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है, ठीक है। और दोस्तों ये जो सिंधु नदी है, ये जम्मू कश्मीर राज्य में जब प्रवेश करती है, तो ये जो मैंने आपको ट्रांस हिमालय जब पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि ट्रांस हिमालय की तीन समांतर श्रेणियां हैं। पहली है काराकोरम, ये दूसरी है लद्दाख और तीसरी है जास्कर, ठीक है। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ठीक है। तो दोस्तों जो सिंधु नदी है, ये लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच से प्रवाहित होती है, ठीक है। तो इसको आप याद रखिए, ठीक है। ये दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के मध्य में कौन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रवाहित होती है, ठीक है। तो इसका नाम है सिंधु नदी। और दोस्तों जो जम्मू कश्मीर का एक दोस्तों स्थान है जिसका नाम है ले है, ठीक है, ले सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है, ठीक है। ये दोस्तों देखिए, ये सिंधु नदी का दाया तट है, ठीक है। दोस्तों जो हमारा दाया हाथ होता है, ठीक है, और जो हमारा बायां हाथ होता है, ठीक है, वही दोस्तों नदी का भी उसी प्रकार से दाया बायां किनारा होता है, ठीक है। तो दोस्तों जो ले है वो सिंधु नदी के बाएं दाएं तट पर स्थित है, ठीक है, सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है ले है। और दोस्तों ये नदी लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के मध्य से निकलकर यहाँ पर दोस्तों करगिल के समीप एक बहुत ही गहरे गार्ज का निर्माण करती है, ठीक है, और उस गार्ज का नाम है सिंधु गार्ज, ठीक है। तो ये नदी यहाँ पर करगिल के समीप सिंधु गार्ज का निर्माण करती है और दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और पाकिस्तान में प्रवेश करती है, ठीक है, और इसके बाद ये अरब सागर में गिर जाती है। इतनी दोस्तों सिंधु नदी की कहानी है, ठीक है। और सिंधु नदी के दोस्तों यहाँ पर एक सहायक नदी है, ठीक है, जिसका नाम है सियोग नदी, ठीक है। तो इसको आप याद रखिए। और इसके अलावा मैं अभी लास्ट में आपको बताऊंगा सिंधु की जो दाहिनी ओर की सहायक नदियां हैं, ठीक है। और दोस्तों ये जो देखिए, ये जो पूरी पांचों की पांच नदियां हैं, चाहे वो झेलम, चिनाब, रावी और ब्यास, ये इनमें से कोई भी हो, ठीक है, ये सभी नदियां सिंधु की बाई ओर की सहायक नदियां हैं, ठीक है। ये बाई ओर से जाकर सिंधु नदी में मिलती हैं, ठीक है, इसलिए ये सिंधु नदी की बाई ओर की सहायक नदियां हैं। और ये जो सेव नदी है, ये दाहिनी ओर की सहायक नदी है। और भी सहायक नदियां हैं दाहिनी ओर की, ठीक है, उनको भी हम देखेंगे, ठीक है। तो इसको आप याद रखिए। अब दोस्तों देखिए, अब हम इसकी सहायक नदियां जो झेलम नदी है इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, जो झेलम नदी है, ये नदी जम्मू कश्मीर से निकलती है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में दोस्तों एक झील है जिसका नाम है बेरीनांग, ठीक है, क्या नाम है, बेरीनांग। और दोस्तों बेरीनांग झील के समीप एक और झील है जिसका नाम है शेषनांग, ठीक है। तो दोस्तों जो झेलम नदी है वो शेषनांग झील से ही निकलती है, ठीक है दोस्तों। आप लोग दोस्तों इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि दोस्तों जो मैं बोल रहा हूँ, अगर आप नोट डाउन कर लेंगे तो आपका एक बहुत ही अच्छा नोट्स बन जाएगा, ठीक है। तो इसको आप याद रखिए, ठीक है। तो जो झेलम नदी है वो शेषनांग झील से निकलकर और श्रीनगर होते हुए, ठीक है, शेषनांग झील से निकलकर श्रीनगर होते हुए और ये बूलर झील में प्रवेश करती है, ठीक है। इसके बाद ये बूलर झील से निकलकर दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और कुछ दूरी तक ये भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाती है। देखिए आप मैप में देख सकते हैं, इस तरह से झेलम नदी प्रवाहित होती है ये सीमा में कुछ दूरी तक, ठीक है, जो भारत और पाकिस्तान की सीमा है। और इसके बाद दोस्तों ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है, ठीक। तो इसको आप याद रखिए दोस्तों, जो सिंधु नदी, जो झेलम नदी है,
ठीक है। जो झेलम नदी है ये एक्चुअली यहाँ पर घाटी में प्रवाहित होती है, ठीक है। घाटी में दोस्तों यहाँ पर कुछ दूरी तक ये समतल मैदान है, ठीक है। ये जो पीर पंजाल श्रेणी है, ठीक है, यहाँ पर ये प्रवाहित होती है। और यहाँ पर ये दोस्तों एक प्रकार का जो हिमालय का क्षेत्र है, ठीक है, कश्मीर हिमालय, तो यहाँ पर दोस्तों समतल मैदान है। तो दोस्तों ये जो झेलम नदी है, ये नदी यहाँ पर क्या करती है, विसर्पण करने लगती है, ठीक है। क्या करने लगती है, विसर्पण, ठीक है। तो ये अनंतनाग से लेकर, अनंतनाग यहाँ पर एक झील है, ठीक है, तो अनंतनाग से लेकर, और ये यहाँ पर एक स्थान है जिसका नाम है बारामूला, ठीक है। तो अनंतनाग से लेकर बारामूला तक झेलम नदी विसर्पण करती है। और विसर्पण का अर्थ होता है दोस्तों, ये नदी बिल्कुल आराम आराम से धीरे धीरे से प्रवाहित होती है, यानी कि इसकी प्रवाहित होने की गति बिल्कुल मंद हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर दोस्तों काफी ज्यादा नौकायान भी होते हैं, ठीक है, नावें चलाई जाती हैं, ठीक है। तो इसको आप याद रखिए कि ये अनंतनाग से लेकर, झेलम नदी के बारे में बता रहा हूँ, झेलम नदी अनंतनाग से लेकर बारामूला तक नौकागम्य है, ठीक है। इस पर नौकाएं भी चलाई जा सकती हैं, तो दोस्तों इसको आप याद रखिए, ठीक है। और दोस्तों अब देखिए सिंधु की अगली सहायक नदी है जिसका नाम है चिनाब। क्या है, चिनाब। तो दोस्तों जो चिनाब नदी है ये निकलती है हिमाचल प्रदेश से। ये कहाँ से निकलती है, चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश से निकलती है। और दोस्तों हिमाचल प्रदेश में मैंने आपको बताया था कि एक दर्रा है, ठीक है, उसका नाम है बारालाचा दर्रा, ठीक है। बारालाचा दर्रा कहाँ पर है, ये हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो बारालाचा दर्रे के समीप से ही ये चिनाब नदी निकलती है, ठीक है। मैंने आपको दोस्तों जब दर्रे पढ़ाए थे, भारत के प्रमुख दर्रे, तो आपको बताया था कि मंडी से, हिमाचल प्रदेश में एक स्थान है मंडी, ठीक है। तो मंडी से लेह जाने के लिए, मंडी से लेह जाने के लिए किस दर्रे से होकर गुजरना पड़ता है, तो उस दर्रे का नाम है बारालाचा दर्रा, ठीक है। तो उसको आप याद रखिए, ठीक है। अब दोस्तों देखिए सिंधु की अगली सहायक नदी है ब्यास, ठीक है। क्या नाम है, ब्यास। तो दोस्तों देखिए, सॉरी, मैंने आपको झेलम बता दी है, चिनाब। इसके बाद दोस्तों अगली सहायक नदी है रावी, ठीक है, रावी और ब्यास। तो दोस्तों जो रावी और ब्यास ये दोनों नदियां हैं, ये हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है जिसका नाम है रोहतांग दर्रा, ठीक है। तो ये रोहतांग दर्रे के समीप से ही निकलती हैं, ठीक है। जो रावी नदी है ये रोहतांग दर्रे से निकलती है, और ब्यास नदी भी रोहतांग दर्रे के समीप एक स्थान ब्यास कुंड से निकलती है, ठीक है। तो दोस्तों इनको आप याद रखिए, रावी और ब्यास नदी ये तो रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती हैं, जबकि चेनाब नदी जो है ये बारालाचा दर्रे से निकलती है। और झेलम नदी कहाँ से निकलती है, ये झेलम नदी शेषनाग झील से निकलती है, जम्मू कश्मीर से, ठीक है। जम्मू कश्मीर से ये एकमात्र नदी है झेलम नदी जो शेषनाग झील से निकलती है, ठीक है। यानी कि सिंधु की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है झेलम जो जम्मू कश्मीर से शेषनाग झील से निकलती है। जबकि दोस्तों चेनाब नदी हो, रावी नदी, ब्यास नदी, ये तीनों नदियां हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं, ठीक है। ब्यास नदी और रावी नदी ये रोहतांग दर्रे से निकलती हैं, ठीक। तो इसको आप याद रखिए। अब देखिए दोस्तों ये एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है सिंधु की जिसका नाम है सतलज नदी, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको बता चुका हूं कि सतलज नदी कहाँ से निकलती है, ये मानसरोवर झील के नजदीक राकसताल झील से निकलती है, ठीक है। ये सतलज नदी कहाँ से निकलती है, राकसताल झील से निकलती है। और ये इस तरह से प्रवाहित होती है हिमाचल प्रदेश और जो तिब्बत की सीमा है, यहाँ पर एक गार्ज का निर्माण करती है जिसका नाम है सिपकीला गार्ज, ठीक है। क्या नाम है, सिपकीला गार्ज। तो दोस्तों ये सिपकीला गार्ज से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और हिमाचल प्रदेश के बाद पंजाब में प्रवेश करती है, ठीक है। तो दोस्तों पंजाब में एक स्थान है कपूरथला, ठीक है। तो कपूरथला के निकट हरके नामक स्थान पर ये जो सतलज नदी है, सतलज नदी में ब्यास नदी आकर मिल जाती है। यानी कि अगर वास्तविक रूप से देखा जाए तो जो ब्यास नदी है वो सतलज की सहायक नदी है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ब्यास नदी ये भारत में ही, यानी कि पंजाब में ही सतलज नदी में मिल जाती है, यानी कि जो ब्यास नदी है ये पाकिस्तान प्रवेश नहीं कर पाती है। तो दोस्तों एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पाकिस्तान में प्रवेश नहीं करती है, या फिर इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु की सहायक नदी पाकिस्तान में प्रवेश नहीं करती है। तो दोस्तों ये एकमात्र ऐसी नदी है जिसका नाम है ब्यास, ये पाकिस्तान में प्रवेश नहीं करती है, बल्कि ये पंजाब में ही, यानी कि भारत में ही कपूरथला के निकट हरिके नामक स्थान पर ये सतलज नदी में मिल जाती है।
ठीक है, तो इसको आप याद रखिए। ठीक, और इसके बाद दोस्तों सतलज नदी आगे जाकर, ये जो झेलम नदी आ रही थी, ये तो इन दोनों नदियों को लेकर, ठीक है, तो इस इनमें जाकर मिल जाती है। और दोस्तों ये एक पूर्ण रूप से ये सभी नदियां मिलकर, ये पांचों नदियां झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ठीक है, ये सभी नदियां मिलकर ये पाकिस्तान में एक स्थान है जिसका नाम है मीठानकोट। ठीक है, क्या नाम है? मीठानकोट। तो पाकिस्तान के मीठानकोट नामक स्थान पर ये पांचों नदियां सिंधु में मिल जाती हैं। ठीक, तो इसको आप याद रखिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि जो सतलज नदी है, सतलज नदी में यहाँ पर दो बांध बनाए गए हैं। ठीक है, उनका नाम है, एक का नाम है भांखड़ा बांध और दूसरा है नागल बांध। दोस्तों हम लोग इसको एक ही बार में नाम पूरा ले लेते हैं, जो भांखड़ा नांगल बांध। ठीक है, एक्चुअली दोस्तों जो भांखड़ा नांगल बांध है, ये एक बांध ना होकर ये दो बांध है। ठीक है, भांखड़ा बांध अलग है और नांगल बांध अलग है। ठीक है दोस्तों, जो भांखड़ा बांध है ये हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब की इस सीमा के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पर भांखड़ा बांध है जबकि पंजाब के अंतर्गत आता है नांगल बांध। ठीक है, और ये दोनों बांध कहाँ पर है? ये सतलज नदी में स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों जो भांखड़ा बांध है, ये भांखड़ा बांध विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, तो इसको आप याद रखिए। इसकी ऊंचाई है लगभग 226 मीटर। ठीक है, तो इतनी इसकी ऊंचाई है भांखड़ा बांध की। ठीक है, और दोस्तों जहां पर ये ब्यास नदी सतलज नदी में मिलती है हरिके नामक स्थान पर, तो दोस्तों यहां पर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है हरिके बांध। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिए, हरिके बांध ये सतलज नदी में ही है, यानी कि जहां पर ये सतलज नदी और ब्यास नदी का जो संगम है, यहीं पर हरिके बांध का निर्माण किया गया है। जब दोस्तों हम बांध वाला टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, भारत की जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, यानी कि जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट लगाए गए हैं, ठीक है, उनके बारे में जब हम पढ़ेंगे, तो इन सब चीजों को विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसको आप याद रखिए। अब देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि जो सिंधु नदी है, ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र के बाद भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, ठीक है, ये सिंधु नदी ब्रह्मपुत्र के बाद भारत की सबसे लंबी नदी है, क्योंकि दोस्तों जो ब्रह्मपुत्र है, इसकी लंबाई है, ब्रह्मपुत्र की लंबाई कितनी है? ब्रह्मपुत्र की लंबाई है 2900 किलोमीटर, लगभग इसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर। ठीक है, और जबकि सिंधु नदी की लंबाई है 2880 किलोमीटर। ठीक है, 2880 किलोमीटर ये सिंधु की लंबाई है, तो इसको आप याद रखिए। और दोस्तों सिंधु नदी जो है, ये भारत में लगभग 1114 किलोमीटर प्रवाहित होती है। ठीक है, सिंधु नदी भारत में अगर देखा जाए, क्योंकि ये तो पूरा तिब्बत वाला क्षेत्र है, ठीक है, और इसके बाद ये सिंधु नदी पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है, तो दोस्तों अगर देखा जाए तो सिंधु नदी जो है, ये भारत में केवल यहां से यहां तक ये 1114 किलोमीटर की लंबाई में प्रवाहित होती है। ठीक, इसलिए दोस्तों ये सिंधु नदी को तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, क्योंकि इसका अधिकांश भाग जो है पाकिस्तान और इसके अलावा तिब्बत में प्रवाहित होता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिए। देखिए दोस्तों, भारत की अगर सबसे लंबी नदी देखी जाए तो वो है गंगा नदी, क्योंकि दोस्तों गंगा नदी सबसे ज्यादा भारत में प्रवाहित होती है। ठीक है, तो गंगा नदी की दोस्तों लंबाई है 2525 किलोमीटर। ठीक है, गंगा नदी की लंबाई है 2525 किलोमीटर, और दोस्तों गंगा नदी सबसे ज्यादा देखी जाए तो ये उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है। ठीक है, जब हम गंगा नदी तंत्र पढ़ेंगे तो इस बारे में बिल्कुल डिटेल से जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसको आप याद रखिए। अब देखिए दोस्तों, सिंधु नदी में दोस्तों क्या हुआ 1960 में, ठीक है, इसको आप याद रखिए, सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 में। ठीक है, तो इसको आप याद रखिए, 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, तो दोस्तों इस समझौते में ऐसा दोस्तों निर्णय लिया गया था कि जो, क्योंकि दोस्तों सिंधु जल विवाद चल रहा था भारत और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, तो दोस्तों 1960 में सिंधु जल विवाद को सुलझाने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ था। दोस्तों इस समझौते को सिंधु जल समझौते के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इस समझौते में निर्णय लिया गया था कि जो जो ये देखिए, सिंधु नदी एक, ठीक है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये पांच, ठीक है, और सिंधु को मिलाकर ये छह नदियां होती हैं, ये मुख्य नदी हैं। ठीक है, तो इन सभी छह नदियों को मिलाकर जो ऊपर की जो तीन नदियां हैं, ठीक है, यानी कि सिंधु, झेलम और चिनाब,
ठीक है, जो ऊपर की तीन नदियां हैं, इन ऊपरी तीनों नदियों के 80% जल का उपयोग पाकिस्तान करेगा, ठीक है, और 20% जल का उपयोग भारत करेगा, ठीक है। एक बार और दोस्तों मैं रिपीट करना चाहूंगा कि दोस्तों जो सिंधु नदी है और झेलम नदी है, इसके अलावा चिनाब नदी, ठीक है, इन तीनों नदियों के जल का 80% भाग पाकिस्तान प्रवेश करेगा और 20% भाग भारत पर यूज करेगा, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों जो निचली तीन नदियां हैं, यानी कि जो दक्षिणी तीन नदियां हैं, जैसे रावी, ब्यास और सतलज, ठीक है, तो इनके 20% जल का प्रयोग पाकिस्तान करेगा और 80% जल का प्रयोग भारत करेगा। तो ये दोस्तों समझौता हुआ था सिंधु जल समझौते में 1960 में, ठीक है, तो इसको आप याद रखिए, ठीक है। दोस्तों देखिए, सिंधु नदी की मैंने आपको बाई ओर की सहायक नदियां बताई हैं, ठीक है, बाई ओर की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये बाई ओर की सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। देखिए दोस्तों, ये हैं दाहिने ओर की सिंधु की सहायक नदियां, ठीक है, इनमें से कौन कौन सी है, देखिए मैंने आपको सेक नदी मैप में दिखाई, ठीक है, इसके अलावा काबुल नदी जो कि पाकिस्तान में प्रवाहित होती है, ठीक है, कुर्रम नदी, गोमल नदी, हुंजा नदी, नुब्रा नदी, ठीक है। मैंने आपको बताया था जब मैंने भारत की कुछ घाटियां आपको पढ़ाया था, तो एक नुब्रा घाटी बताई थी मैंने आपको कि कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर है, ठीक है, तो ये नुब्रा नदी जम्मू कश्मीर में प्रवाहित होती है और नुब्रा नदी की जो घाटी है तो वो नुब्रा नदी नुब्रा घाटी कहलाती है, ठीक है, तो इसको आप याद रखिए। ये दोस्तों सिंधु की दाहिनी ओर की सहायक नदियां हैं। एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु में दाहिनी ओर से आकर मिलती है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी में दाहिनी ओर से आकर प्रवेश करती है, तो इसलिए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए अलग अलग कि दाहिनी ओर की सहायक नदियां कौन है और बाई ओर की सहायक नदियां कौन सी हैं, ठीक है, थीके? सिगार नदी भी है, ठीक है, इसके अलावा गिलगित नदी, ठीक है, जो गिलगित स्थान मैंने आपको बताया था जहां पर ये सिंधु नदी सिंधु कार्य का निर्माण करती है, तो वहीं से एक नदी मिलती है इसमें, जिसका नाम है गिलगित नदी, ठीक, तो इसको आप याद रखिए, ठीक है। तो दोस्तों ये इस वीडियो में हम लोगों ने सिंधु नदी के बारे में पढ़ने की कोशिश की। अब दोस्तों जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम लोग गंगा नदी तंत्र के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो दोस्तों इसी प्रकार से हम जियोग्राफी डिटेल से कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।